हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिविल डिज़ाइन। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर सिविल इंजीनियर्स। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं हमारे कॉलम शेड्यूल के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए। इसके पहले के चार पार्ट आपने नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा। इस बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने वहाँ पर डिस्कस की है उन्होंने। ओके, ये जो ड्राइंग है गाइज, अगर आपको ये ड्राइंग चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट में अपना मेल आईडी डालना गाइज, जो कि आपको ये ड्राइंग आपको मेल पे मिल जाएगी। इन पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो, या फिर इन DWG फॉर्मेट में चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट में एक मेल आईडी अपना दे देना। तो फ्रेंड्स, आज हम डिटेल में देखने वाले हैं जो कि हमारा कॉलम शेड्यूल है, उसके बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी कॉलम नंबर है और कॉलम का डिज़ाइन है यहाँ पर दिया हुआ है उन्होंने, और उससे जो भी टाइज है उसकी स्पेसिंग है उसके बारे में वहाँ उन्होंने डिस्कस किया है। अगर आप देखोगे यहाँ हमारी स्लैब की वर्किंग ड्राइंग है, यहाँ पर इसमें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कौन से कॉलम के लिए कौन सा आपको यूज़ करना है। ओके, यहाँ पर आप कॉलम शेड्यूल में देखोगे तो उसको यहाँ पर अरेंजमेंट ऑफ लिंक्स इन कॉलम, जो कि टाइज के लिंक है हमारे, टू लेग्स, थ्री लेग्स। ओके, बाद उसके बाद फुटिंग वेस्ट फॉर टू फर्स्ट लैब साइज है उसका, फिर स्टील और उसके बाद लिंक्स दिए वहाँ पर, उसके बाद कॉलम मार्क जो कि कॉलम के नंबर से, उसके बाद रिमार्क यानी भी वो कॉलम रिड्यूस हुआ है कि नहीं उसके बारे में बताया उन्होंने। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो भी हर एक वीडियो की तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे जो भी आखिरी के बचे वाले कॉलम है उसके बारे में, जो कि हमने सभी कॉलम डिटेल में डिस्कस किए। अभी हमारे जो भी कॉलम रहे गए उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। जो भी मेन मेन चीज़ें हैं वही हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस। हर एक चीज़ हमें आपको जो बेसिक है वो नहीं बताने वाला, जो आपको इम्पोर्टेंट है वही चीज़ मैं आपको वीडियो में शेयर करता हूँ गाइस। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो भी C10, C11, C3 और C6 के बारे में, इसका साइज़ है 230x680। इसका जो बार का डिटेल है वो आप देख सकते हो, 16 mm का 5 और 14 नंबर ऑफ बार है, यानी कि 14 नंबर ऑफ बार है 16 mm के। उसका जो रिंग्स का स्पेसिंग और उसका जो डायमेंशन है आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, हमारा जो अगला कॉलम है आप देख सकते हो यहाँ पर C22 और C23 के बारे में। अगर आप C23 और C23 का लोकेशन देखना चाहते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो C23 और उसके बाद है हमारा C22। इसका अगर कॉलम में आप बेसिक लोकेशन देखना चाहोगे तो ये पैसेज है हमारा, उसके बाद यहाँ पर हॉल है, उसके बाद किचन, उसके बाद एक दो बेड है हमारे साइड में, यहाँ पर एक टेरेस है, यहाँ पर एक लिविंग के साइड में एक टेरेस है, यहाँ पर हमारा किचन है, यहाँ पर वॉशिंग एरिया होने वाला है किचन के साइड में। तो इस तरह प्लान है गाइस। तो ये जो C22 और C23 का हमारा जो कॉलम है वो रिड्यूस नहीं हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंडिकेशन मार्क नहीं दिया है, ऐसा जो इंडिकेशन मार्क रहते हैं वो यहाँ पर नहीं दिया है। ओके, तो आपको समझ में आना चाहिए वो। तो ये जो C23 और C23 का कॉलम डिटेल्स है गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 20 के 25 बार है, सॉरी 25 के 20 बार है, 25 mm का जो बार है हमारा डायमीटर का, ये से 20 बार है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 6, 4, 4, 4 और 2, 6, 8 यानी 6, 6, 6, 12 + 8, 20, ऐसी करके 20 बार है हमारे, जिसमें हम फोर लेग्स स्टिरअप्स यूज़ किए 4 बार और एक मेन बार के लिए हमारा बाइंडिंग स्टिरअप है। स्टिरअप्स का इम्पोर्टेंट वर्क है गाइस, टाई बीम का, रिंग्स का, जो कि हमारे कॉलम को बाइंडिंग करते हैं गाइस अच्छे से, और कॉलम में बकलिंग और कोई प्रॉब्लम नहीं आता इसलिए, तो इसलिए हमको वहाँ कॉम्प्रेशन मेंबर बोलते हैं हमारे कॉलम को। इसमें आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की गई ड्राइंग में, अगर आप C23 और C22 का कॉलम देखेंगे तो इसमें बढ़िया साइज के बार यूज़ किए, 25 mm के 20 बार यूज़ किए, और जो भी इसका लैपिंग जोन है वहाँ पर स्पेसिंग कम रखी और रेस्टिंग जोन में स्पेसिंग ज़्यादा दी है, उसके बाद इसका साइज़ का रिडक्शन नहीं किया उन्होंने। कॉलम वेट फर्स्ट लाफ के
आगे जो ये 200 mm 230 mm होने वाली है। ओके 230 mm, अभी तो फाउंडेशन में इसका विड्थ है 300 mm। ये जो प्लान में लिखा है उन्होंने अरेंजमेंट ऑफ रिंग्स इन कॉलम अप टू फर्स्ट लैप, ये फुटिंग बेस से हमारा फर्स्ट लैप के लिए कॉलम है गाइस, इसीलिए इसका जो विड्थ है फर्स्ट लैप तक वो होने वाला है हमारा 300 बाई 1.5 मीटर, यानी कि 0.3 मीटर बाई 1.5 मीटर। और इसका रिडक्शन आगे फर्स्ट लैप के ऊपर 230 mm होने वाला है। उसके बाद है हमारा जो भी अगला कॉलम है वो C4 और C5। अगर C4 और C5 देखा जाए तो बहुत ही बड़ा कॉलम है, उसका जो साइज़ है 3.3 मीटर बाय 1.2 मीटर में। उसके जो बार यूज़ हुए 16 mm 5 बार है, वो है 20 नंबर्स। ओके 20 नंबर है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, 5 5 और बीच में हमारे 4 और 4 8 एंड 10। ओके 10 10 20 हो गया हमारे। इसमें जो रिंग्स है हमारे, एक ट्रायंगुलर रिंग्स है कहीं पर, यहाँ पर एक 2 लेग स्टिरअप है, बाकी 4 लेग स्टिरअप है, और बाकी मेन फाइनल बाइंडिंग के लिए हमारे एक बड़ा वाला कटिंग लेंथ है उसका, कटिंग बेंडिंग स्टिरअप है उसका। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। तो फ्रेंड्स, कॉलम रिडक्शन ड्राइंग में आपने जो भी रिंग्स देखे कॉलम के या फिर टाइज देखे कॉलम के, यहाँ पर जो भी स्पेसिंग दिया है गाइस वो दिया है 80 mm 5 बार, 150 mm सेंटर टू सेंटर, रेस्टिंग जोन में आपको 150 mm सेंटर टू सेंटर जो भी स्पेसिंग दिया है टाइज का या फिर रिंग्स का, यहाँ पर आपको रेस्टिंग जोन में 150 mm लेना है। और उसके बाद आपको लेना है जो भी हमारे लैपिंग जोन में 100 mm सेंटर टू सेंटर जो भी स्टीरअप्स के बारे में उन्होंने दिया है, आप देख सकते हो। यहाँ पर जो भी हमारा AH/Y4 स्पेसिंग है, वहाँ पर आपको 3 mm 100 mm स्पेसिंग सेंटर टू सेंटर लेना है 80 mm 5 बार, और बीच में दो जगह रेस्टिंग जोन है वहाँ पर आपको 150 mm सेंटर टू सेंटर 80 mm 5 बार प्रोवाइड करना है गाइस। अगर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की गाइस, जो कि हमारे सेक्शनल व्यू कॉलम का, यहाँ पर दिया है टिपिकल सेक्शन ऑफ डक्टाइल रेनफोर्समेंट, उसके बाद दिया है प्रोविजन ऑफ स्पेशल कन्फाइनिंग रेनफोर्समेंट इन फुटिंग। यहाँ पर आपको 300 mm का जो भी एक्सटेंशन है आपको हर एक कॉलम के लिए लेना ही है गाइस, कंपलसरी है वो। ओके जो कि आपको कंपलसरी देना ही है गाइस एक्सटेंशन वो। उसके बाद हम ये सेक्शन कट व्यू दिया है जिगजैग सेक्शन में, उसके बाद एक कॉलम और जंक्शन है कॉलम और बीम्स का, उसके बाद ऊपर भी एक कॉलम के लिए जंक्शन है। यहाँ पर आपको जॉइंट विथ बीम्स फ्रेमिंग इनटू फोर ऑल फोर साइड 80 mm 5 बार 150 mm सेंटर टू सेंटर लेना है गाइस। तो ये चीज़ें एज ए साइट इंजीनियर आपको आनी चाहिए गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस, जो कि आपका 3D व्यू कॉलम का, यहाँ पर टिपिकल सेक्शन ऑफ एक्सिस डायरेक्शन तो दो, ये बॉटम एंड टॉप है, दोनों तरफ रेनफोर्समेंट दिए, यहाँ पर सिर्फ बॉटम में रेनफोर्समेंट दिए गाइस। अगर आपने डिस्कस किए वाले कॉलम जो भी कॉलम रिडक्शन ड्राइंग में है, यहाँ पर आप इसका सेक्शन देखोगे तो ये यहाँ पर रेस्टिंग जोन है ये दो साइड में, और बीच में हमारा लैपिंग जोन है। जो भी हमारे बार से गाइस जो भी आपको प्रोवाइड करने हैं लैपिंग, वो आपके स्टैगर्ड वे में होने चाहिए। ओके आपका जो 12 मीटर का बार है वो आपको 5.5 और 6 मीटर में ऐसे कट करने गए, जिसकी लैपिंग अल्टरनेटिंग आनी चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट है आज साइट इंजीनियर। ये नॉलेज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है गाइस, हर एक साइट पे यही मिलता है, जो कि लैपिंग है वो आपको एक बार लंबा और एक बार छोटा और कट करके लेना है गाइस, जब आप कटिंग के टाइम वहाँ पर रहते हो तब। अगर आप बार बेंडिंग शेड्यूल इसका चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर ये ड्राइंग आपको PDF फाइल में या TWG फाइल में चाहिए तो प्लीज़ अपना मेल आईडी अपने कमेंट बॉक्स में लिख लेना है गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि लैपिंग के लिए जोन है और अल्टरनेटिंग बार के लिए जोनिंग दिया है यहाँ पर, जो कि रेस्टिंग और आपका लैप जोन है, ये सेक्शनल व्यू दिया है आपको। इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हैं, जो कि कॉलम फुटिंग शेड्यूल है हमारा, फुटिंग की हर एक चीज़ हमने डिस्कस की इसके पहले डिटेल में। इसमें आपको बस ये लैपिंग जोन और
रेस्टिंग जोन है 8 mm हाई, 150 mm सेंटर टू सेंटर, और बीच में 100 mm सेंटर टू सेंटर, ये आपके डिस्टेंसेस चेंज होते रहते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है बस। उसके बाद है गाइस हमारे जो भी अगला जो भी कनेक्टिंग कॉलम है हमारा सी 7 है, 14 है, 24 है, 33 है, 13 है। इसका एक्सटेंशन जॉइंट के लिए कॉलम दिया गया है गाइस, उसकी साइज़ है 450 बाय 450 mm। स्क्वायर कॉलम है हमारा 16 के 10 बार यूज़ किए, यहाँ पर देख सकते हो आप 8 8 एंड बीच में 2 बार 16 के। यहाँ पर आप स्टीरअप्स देखना अच्छे से, क्योंकि रेक्टेंगुलर स्टीरअप से यहाँ पर 4 लेग्स और एक स्क्वायर स्टीरअप से 4 लेग्स, बीच में एक 2 लेग स्टीरअप है बाइंडिंग के लिए। तो ये स्टीरअप जो भी रिंग्स है हमारे उसका जो वर्किंग है वो आपको कॉलम बकलिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गाइस, कॉलम को बकल या फिर बेंड नहीं होने देता वो, और बार जो है कॉलम बार वो बाइंड करके रखता है गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट फंक्शन है अपने रिंग्स का। अगर आपको एक्सपेंशन जॉइंट क्या होता है और ये जो कॉलम्स है हमारे स्पेसिफिक सी 7A, 33A, 24A, 13A, उसके ऊपर अगले आने वाली वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक्सपेंशन जॉइंट क्या होता है और उसके क्या क्या रूल्स होते हैं और ये क्यों प्रोवाइड किया जाता है। अगर इस ड्राइंग में देखे तो ये ड्राइंग में वो कॉलम यहाँ पर जो साइड है वहाँ पर प्रोवाइड किया है, ओके इस ड्राइंग में नहीं मिलेगा, मगर यहाँ पर एक एक्सपेंशन जॉइंट वाला एक कॉलम प्रोवाइड किया रहता है, इसको हम एक्सपेंशन जॉइंट कॉलम के लिए लेते हैं गाइस। उसके ऊपर अगर डिटेल में वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना गाइस, और आने वाले वीडियोस बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, वन बाय वन वीडियोस, ओके। तो गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस, आपका सपोर्ट ही इम्पोर्टेंट है गाइस, आपको सपोर्ट के बिना चैनल नहीं चल सकता, ओके। आपने जितना भी अभी तक सपोर्ट किया है वो बहुत ही अच्छा है गाइस, क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं हर रोज़ हर डेली अपडेट आपके लिए लाता हूँ गाइस हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। अगर आपने वो जो ग्रुप ज्वाइन नहीं किए तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए, वहाँ पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर आपको जेन्युइनली ये वीडियोज़ अच्छा लगा, इसका जो भी इम्पोर्टेंट टिप्स है वो आपके कुछ काम आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस, क्योंकि वीडियोस बनाने के लिए भी मोटिवेशन जरूर है गाइस, वो मोटिवेशन आपसे ही मिलता है गाइस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो गाइस मैंने कहा था वीडियो को एंडिंग तक देखना, आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करूँगा मैं कि आप कुछ जानते नहीं उसके बारे में। तो गाइस हमारा जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस ड्राइंग के बारे में, तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है गाइस, हर जो हमारी रिंग्स होती है स्टीरअप्स होती है, अगर इसका आपको बार बेंडिंग शेड्यूल या फिर कटिंग लेंथ निकालना है तो वो आप बहुत ही दिमाग लगा कर निकालना गाइस, क्योंकि वो जब आप ज़्यादा निकालते हो तो भी दिक्कत आती है और कम निकालते हो तो भी वो वेस्टेज जाती है गाइस, जो कि स्क्रैप कहलाती है उसे। तो फिर उसका ज़रूरत ही क्या गाइस, आपको अगर एक स्टैंडर्ड एक आपको डायमेंशन दिए उसके ऊपर आपको कटिंग लेंथ निकालना है तो आपको आनी चाहिए गाइस। आपको यहाँ पर सब दिया है, कॉलम डायमेंशन है, उसकी बार की लेंथ है, उसका जो स्टीरअप्स का स्पेसिंग है उसके बारे में, बस आपको उसकी क्वांटिटी निकाल कर आपको उसको कटिंग लेंथ निकालनी है गाइस। यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो कटिंग लेंथ है बार का, आप यहाँ पर जो भी रिंग्स दिए है यहाँ पर जो बेंडिंग होता है वो 10D लिया जाता है गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए। 10D एज जो भी डायमीटर है वहाँ उस साइड में आपको 10D बढ़ाना है गाइस, यहाँ पर जो भी बेंडिंग यहाँ पर, तो 10D दोनों साइड से आपको ऐड करना है गाइस, जो कि कटिंग लेंथ है उसमें, जो भी आपका डायमीटर है लेंथ है सॉरी जो भी लेंथ है उसको आपको 10D ऐड करना है हर एक लेंथ के ऊपर, जो भी आपको बेंडिंग में रिंग्स के लिए रंगने वाला है। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी या फिर आपको समझ में नहीं आया इसके ऊपर डिटेल में आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है गाइस, हम पूरा बार बेंडिंग शेड्यूल आप आने वाले वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स और एक बात, आगे जो आने वाले वीडियोस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जिसमें हम
डिटेल में देखेंगे कि जो भी बार या फिर कटिंग लेंथ होता है, बार बेंडिंग शेड्यूल होता है, कॉलम के जो भी डायमेंशन है उसके ऊपर हम कटिंग लेंथ निकालते हैं हर एक रिंग के लिए। वो वेस्टेज नहीं जाना चाहिए, स्क्रैप मटेरियल ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए। उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए और कटिंग लेंथ हम कैसे निकलते हैं, अगर उसके ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और आने वाले वीडियोस आपको जल्दी मिलेगी गाइस, जो कि हम हमारे बार बेंडिंग शेड्यूल के ऊपर होने वाले हैं। वो एक एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे गाइस डिटेल में। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो गाइस, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो, अगर आपको डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करना है आपको पता नहीं है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके ऊपर जाके ये आप स्टॉक का डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो गाइस, जो कि बहुत ही अच्छा है यूज़ करने में, और उसका ब्रोकरेज भी 0% है 20, जो कि हमारे हर एक ब्रोकर के जो रूल्स है उसके हिसाब से ये ब्रोकर है हमारा अपस्टॉक। तो आप जो आपको ऑफर भी मिलेगी गाइस, जो कि डिस्काउंट ब्रोकर है उसकी तरफ से, और मेरा जो VIP चैनल है टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे, उसको आप में आपको फ्री में ज्वाइनिंग मिलेगी गाइस। तो लेट मत करो गाइस, क्योंकि ये जो अपस्टॉक का जो डीमैट अकाउंट है ये बस आपको 10 मिनट में मिल जाएगा गाइस। तो गाइस, जितना हो सके उतना जल्दी आप मेरे लिंक्स के ऊपर जाके अपना अकाउंट ओपन करो गाइस। तो गाइस, आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, आप ट्रेडिंग करना चाहते हो या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है जिसकी एंजल ब्रोकिंग है, ऑफ स्टॉक है और जीरोधा है, और हमारा नया आया वाला फायर से, इसके ऊपर खास ऑफर से गाइस। अगर आप मेरे लिंक के ऊपर जाके ये अकाउंट अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, तो आपको मिलेगा गाइस हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे जो भी VIP ग्रुप है उसके ज्वाइन करने का एक अपॉर्चुनिटी चांस मिलेगा गाइस, जो कि आप मिस नहीं करना चाहोगे गाइस। तो मेरे लिंक पे जाके आप अकाउंट ओपन करना और मुझे मैसेज करना गाइस, और मैं आपको हमारे जो भी VIP ग्रुप है उनके साथ ज्वाइन कर लूँगा गाइस, जो कि बेस्ट है आपके लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल डिज़ाइन। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर सिविल इंजीनियर्स। आई हमारी हाई राइज बिल्डिंग है गाइस, जो कि पार्किंग प्लस 15 स्टोरी बिल्डिंग है हमारी। अगर इसका आपको RCC डिज़ाइन चाहिए, प्लान फ्रॉम प्लिंथ लेवल टू टेरेस लेवल, अगर आपको इसका आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल प्लान देखना है एज अ स्टडी पर्पज़ कैसे होता है, इसका कॉलम डिटेलिंग और बीम का शेड्यूल आपको जानना है, तो आने वाले वीडियोस में उसके ऊपर बनाऊंगा गाइस। तब तक के लिए इस वीडियो को 100 लाइक्स तो मिलने चाहिए गाइस। इसका जो वर्किंग ड्राइंग है, सबमिशन ड्राइंग है एज अ स्टडी पर्पज़ आपको चाहिए, तो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, पर इस वीडियो को 100 लाइक्स आने चाहिए गाइस, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें गाइस। थैंक यू। तो गाइज, आपने अभी तक हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, तो ज्वाइन कर लो गाइज, क्योंकि वहाँ पर डेली अपडेट आती है गाइज, जो कि जॉब के रिगार्डिंग हो, आप फ्रेशर हो तो फ्रेशर के जॉब कॉल आते हैं वहाँ पे, जो भी गवर्नमेंट जॉब है उसके नोटिस नोटिफिकेशन की ऐड आती है वहाँ पे, या फिर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर सीखना हो तो वो भी मिलेगा आपको, या फिर आपको कोई ई बुक्स चाहिए, या फिर ड्राइंग फाइल चाहिए, एस्टिमेशन शीट चाहिए, कोई क्वांटिटी और सर्वे कैसे करते हैं वो आपको पता नहीं है, तो आप हमारे चैनल को ऐसे ही लाइक शेयर और सपोर्ट करो, और इस चैनल को
सब्सक्राइब करो गाइस, जो कि आने वाले टाइम में बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके साथ शेयर करने वाला है, और ऐसे ही सपोर्ट करना गाइस। थैंक यू। तो गाइस, आप एक सिविल इंजीनियर हो, एक डिप्लोमा इंजीनियर हो, एज अ जॉब करते हो साइट इंजीनियर या फिर डिज़ाइन इंजीनियर या फिर एज अ सीनियर साइट इंजीनियर, तो आपके लिए ये वीडियोस बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करता हूँ गाइस। जो कि डिज़ाइन के बारे में, आपने आर्किटेक्चर और आरसीसी ड्राइंग्स के बारे में, उसमें उसके साथ में जो भी आपको थंब रूल्स बताता हूँ गाइस, वो आपको साइट पर ज़रूरी काम आएंगे गाइस, यूज़फुल रहेंगे गाइस आपके डेली लाइफ में। तो गाइस, इसी तरह हमारे चैनल को सपोर्ट करो गाइस, क्योंकि आने वाले वीडियोस बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं गाइस। आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हो गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए गाइस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो गाइस, और एक बात, मेरा एक कंस्ट्रक्शन फर्म भी है गाइस, अगर आपको कोई घर का प्लान चाहिए जो कि आपके आपके लिए यूज़फुल रहेगा, यूज़फुल होगा, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी लिंक है व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप की, आप मुझे कॉल भी कर सकते हो गाइस। या फिर आपको कोई भी 3D ड्राइंग चाहिए बिल्डिंग का, या फिर एस्टिमेट चाहिए, ई टेंडरिंग के लिए आपको PWD का लाइसेंस निकालना है या फिर टेंडर फिल करना है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो गाइस, मैं आपको अच्छा सॉल्यूशन दूंगा गाइस इसके बारे में। और ऐसे ही सपोर्ट करना गाइस चैनल को, आने वाले टाइम में चैनल इतना ग्रो करने वाला है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ आपका सपोर्ट है गाइस, बाकी कुछ नहीं।